नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक श्री महाकाल महालोक कंट्रोल रूम में कुमार पुरुषोत्तम कलेक्टर एवं अध्यक्ष श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। मंदिर प्रबंधन समिति के प्रशासक एवं अपर कलेक्टर संदीप कुमार सोनी द्वारा ये बताया गया है कि श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा आगंतुक दर्शनार्थियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इंदौर रोड पर रिक्त भूमि पर लगभग 2,250 कक्षों का भक्त निवास एवं समीप की रिक्त भूमि पर 3,000 चार पहिया वाहन की पार्किंग का निर्माण किया जाना है। इसमें भव्य एंट्रेंस प्लाजा, मुख्य द्वार, गार्ड रूम, 24 मीटर चौड़ी मेन रोड, भक्त निवास एवं वाहन पार्किंग के मध्य श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अंडरपास, जनरल स्टोर, उज्जैन सिटी दर्शन काउंटर आदि बनाया जाएगा। भूमि पर प्रस्तावित प्लान के अनुसार कुल 16 ब्लॉक बनाए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक 6 मंजिला होकर लगभग 112 कमरों का होगा। भक्त निवास में दर्शनार्थी, स्टाफ हेतु पार्किंग, हेल्प सेंटर, चार्जिंग यूनिट के साथ ई स्टेशन, ई वाहन स्टैंड, जो दर्शनार्थियों को भक्त निवास से श्री महाकालेश्वर मंदिर तक निशुल्क लाने व ले जाने का कार्य करेंगे। श्री महाकालेश्वर भक्त निवास के अंतर्गत बेसिक डेवलपमेंट, रोड, प्लांट इत्यादि पर होने वाले व्यय का वहन श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति एवं संस्थाओं के CSR फंड व दानदाताओं के माध्यम से किया जाएगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।